एक वक्त था जब कारगिल लद्दाख में किसी छिपे हुए खजाने की तरह लोग जाया करते थे, लेकिन जब से लोगों ने इसे जाना, यहाँ पर्यटकों का तांता लगा रहता है। कारगिल युद्ध के बाद यह शहर कभी देशभक्ति के जज्बे को भरता है तो कभी इसकी प्राकृतिक बनावट हर किसी को लुभा लेती है। यदि आप रोमांचक खेलों के शौकीन हैं तो कारगिल ज़रूर जाइए, जहां हर जगह रोमांच मिलेगा। द्रास में जब से कारगिल वॉर मेमोरियल बना, कारगिल एक तरह से तीर्थ स्थल बन गया है। उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। इसकी शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी, जब पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकियों को कारगिल की चोटी पर देखा गया था। बाद में भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें खदेड़ कर इस युद्ध में ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। देश के दूसरे हिस्सों की तरह यहाँ भी भारत की सबसे बड़ी खासियत विविधता में एकता की वानगी देखी जा सकती है। दरअसल यहाँ एक तरफ मठों गुम्फाओं की भरमार है, तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों को भी उसी रूप में दे सकते हैं। इसकी स्थानीयता अपने आप में खास है। यहाँ के लोग स्वभाव से बेहद सीधे और सरल हैं, जो मुस्कुराहटें बिखेरते हुए आपसे सहज ही घुल मिल जाते हैं। अब तो धीरे धीरे यह शहर इतना लोकप्रिय होने लगा है कि अक्सर लोग यह भी भूल जाते हैं कि यहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है, दूसरे देशों की अपेक्षा मुश्किल है। लेकिन जो साहसी पर्यटक हैं, उन्हें रोमांचक अनुभवों का एक नया आयाम यहाँ मिलता है। यह शहर पाकिस्तान के साथ लगी हुई नियंत्रण रेखा यानी LOC के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। कारगिल को बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता है। मठों की अधिकता इसे अलग पहचान देती है। कारगिल लेह शहर से 210 किलोमीटर और श्रीनगर से करीब 205 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस तरह यह शहर लेह और श्रीनगर के लगभग बीच में बसा हुआ है। यह स्थिति पर्यटकों को अतिरिक्त खुशी देती है। इसी वजह से यहाँ लेह के पहाड़ व चट्टान वाले लैंडस्केप और श्रीनगर की हरियाली और इसके अनूठे सौंदर्य को एक साथ देखा जा सकता है। यह विश्व की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। हिमालय पर्वतमाला में स्थित होने के कारण कारगिल क्षेत्र में आर्कटिक और रेगिस्तानी जलवायु रहती है। सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण कारगिल जाने वाला मार्ग बंद रहता है। जहाँ तक तापमान की बात है, तो यहाँ का द्रास इलाका कारगिल वार मेमोरियल के साथ अपने ठंडे तापमान के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जाड़े की रात में यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जाड़े की रात में तापमान जो है इतना कम हो जाता है, जो इसे विश्व में साइबेरिया के बाद दूसरा सबसे कम तापमान वाला जगह बनाता है। द्रास और जंस्कार में नवंबर से मार्च के बीच में तापमान 0 से भी नीचे रहता है। यह एक्सट्रीम वेदर यानी अति शीत क्षेत्र है। इन इलाकों में जाने के लिए वहाँ की मौसम की समझ जरूरी है। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और बर्फबारी भी बहुत होती है, इसलिए नवंबर से अप्रैल के भारी सर्दी वाले समय को छोड़कर किसी समय यहाँ जाने का प्लान बनाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। इस दौरान श्रीनगर से लेह आने वाली सड़क अत्यधिक बर्फबारी के कारण बंद रहती है। हालांकि लेह के रास्ते आप यहाँ समस्त वर्ष में कभी भी आ सकते हैं, और अगर कभी रास्ता बंद हुआ तो सेना कुछ समय में इसे खोल देती है। कारगिल से द्रास और कारगिल से सुरु वैली का रास्ता भी सालों भर खुला रहता है।
हालांकि दिसंबर से मार्च के बीच यह रास्ता अत्यंत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इस दौरान इन इलाकों में कभी भी भूस्खलन हो सकता है। वहीं कारगिल से जंस्कार वैली का रास्ता दिसंबर से जून के लिए बंद हो जाता है। यदि आप बहुत साहसी पर्यटक हैं और आपको पहले भी ऐसा अनुभव रहा है, तो आप बर्फ से भरे रास्ते या बर्फ जमी नदी पर ट्रेकिंग करते हुए यहाँ आ सकते हैं। कारगिल शब्द का अर्थ है जो दो स्थानीय शब्दों से मिलकर के बना है, कार या खार यानी महल और गिल या किल यानी केंद्र। इन शब्दों को मिलाकर पढ़ा जाए तो अर्थ निकलता है महलों के बीच स्थित एक जगह। यदि आप रोमांचक खेलों और गतिविधियों के शौकीन हैं, तो यहाँ आपको एक से बढ़कर एक अवसर मिलेंगे। पर्वतारोहण से लेकर ट्रेकिंग तक, रिवर राफ्टिंग से लेकर के कई तरह के रोमांचक खेलों का यहाँ आनंद आप उठा सकते हैं। मुलखेप गोम्पा, यह एक मठ है जो कारगिल जिले के मुलबेग में स्थित है। मुलबेग कारगिल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। मठ तक पहुंचने के लिए खड़ी चट्टान और घाटी से होकर के गुजरना पड़ता है। यह मठ सड़क से 200 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध की 9 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। मैत्रेय बुद्ध या भविष्य बुद्ध की यह विशाल मूर्ति बौद्ध मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो मुलबेग मठ का मुख्य आकर्षण है। मुलबेग गोम्पा के आसपास की खूबसूरत घाटियों का नज़ारा देखा जा सकता है। जंस्कार वैली, यह कारगिल का उपजिला है। यह जगह साल के लगभग 8 महीने तक मोटी बर्फ की चादर से ढकी रहती है। यहाँ के मठों में कर्श मठ, जोंगुल मठ और संतो गदे मठ प्रमुख हैं। शुरू वैली जंस्कार क्षेत्र में कारगिल से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है। शुरू वैली यह अपनी हरियाली और गहन वन क्षेत्र के कारण पूरे विश्व के पर्यटकों का पसंदीदा ट्रेवल डेस्टिनेशन है। गर्मी के दिनों में यहाँ चारों ओर हरियाली छाई रहती है और ठंड के दिनों में सफ़ेद चादर फैली हुई वैली देखने का आनंद कुछ अलग ही है। स्टोंगदे मठ या गोम्पा पदुम से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण एक ही चट्टान पर करवाया हुआ लगता है। वर्तमान में यह गोम्पा जंस्कार के सबसे बड़े मठों में से एक है। फुंगथाल मठ, यह मठ अपने शानदार लोकेशन के कारण लोकप्रिय है। यह एक गुफा के बाहर बना हुआ है, जो वहां बहने वाली लुंगनक नदी की मुख्य धारा के सामने खुलती है। 20वीं सदी में बने इस मठ की दीवारों पर खूबसूरत भित्ति चित्र बने हुए हैं। सानी मठ, यह सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध मठ है जो सानी गांव में स्थित है। यह विश्व के उन 8 मठों में से एक है जहां बौद्ध समुदाय के प्रसिद्ध गुरुओं जैसे मारपा, नारोपा और पद्मसंभव ने दौरा किया था। पोकर, मेडिटेशन का आर्थिक स्थल पोकर को फिकर के रूप में भी जाना जाता है, जो सरगोल मठ के आसपास एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह जगह पोकर रिजांग और उरियांग दजांग के कारण प्रसिद्ध है। पोकर रिजांग एक समतल मैदान है जो मेडिटेशन करने के लिए आदर्श स्थान माना जाता है। वारू खान कहा, कारगिल से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वारू खान कहा पूरे लेह, कारगिल में मुस्लिम धर्मावलंबियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। यह हजरत सैयद मोहम्मद नूर बख्श के समय बनाया गया था। करपोखर श्राइन, शंकु से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित करपोखर श्राइन
मुस्लिम संत सैयद मीर हासिम की मजार के रूप में एक पवित्र जगह मानी जाती है। कारगिल वार मेमोरियल, जब आप घर जाएं तो लोगों को ज़रूर बताएं कि आपके कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान किया है। कारगिल के द्रास में स्थित कारगिल वार मेमोरियल में लिखी गई ये पंक्तियाँ किसी भी भारतीय को गौरवान्वित करके शहीद सैनिकों के प्रति शीश नवाने को बाध्य कर देती हैं। यह वॉर मेमोरियल न सिर्फ देश बल्कि द्रास के लोगों के लिए भी उन 500 से ज़्यादा सैनिकों को अपनी यादों में ताज़ा रखने का एक जरिया है। कारगिल शहर में इसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर है। कारगिल में शहीद सैनिकों की याद में बने इस वॉर मेमोरियल को 9 नवंबर 2004 को देश को समर्पित किया गया था, जहां पर तिरंगा लहराता है। उसके ठीक पीछे एक तरफ टाइगर हिल तो दूसरी ओर लोलोलिंग हिल नज़र आता है। यहां गुलाबी रंग की इमारत में दिल्ली के इंडिया गेट की तर्ज पर अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है। यहां पीछे की ओर एक बड़ी सी दीवार पर सभी शहीदों के नाम लिखे हुए आपको मिल जाएंगे।